जिंदगी में जो सबसे मुश्किल काम है वो है अपने मुंह को काबू में रखना, उसके अंदर जाता क्या है और उसमें से निकलता क्या है। लुत्फ उठाएं रोजमर्रा की जिंदगी का, मैं आज हम जानेंगे कि लव्स तासीर से भरे होते हैं। कुछ पैगाम ऐसे होते हैं जिनके बारे में मैं सोचती हूं कि जब तक हम जिंदा हैं साल में एक दो बार उन्हें सुनना चाहिए, चाहे उनके बारे में आप कितना ही जानते हो, फिर भी उन्हें बार बार सुनना जरूरी होता है। उनमें से एक है जहन पर पैगाम और दूसरा है खुदाई अहकामात की राह पर चलना। कितना अहम है इसका इंतजार करना कि खुदाई अहकामात पर चलने के कितने फायदे हैं। इसी तरह के बहुत से पैगाम हैं और उनमें से एक है कलाम की तालीम, अल्फाज की कुव्वत के बारे में बताना। ये मुझे मुतासिर करता है। आज मैं उसके बारे में सोच रही थी कि न जाने कितने साल में गिरजा गई, मेरा मतलब मैं सालों साल वहां जाती थी लेकिन कभी भी अल्फाज की कुव्वत के बारे में कुछ नहीं सुना, कभी नहीं, एक बार भी नहीं। इसलिए मैं हमेशा रूहुल खुद को तकलीफ पहुंचाती रहती, ऐसी बातें कहकर जो फरिश्तों को मुझसे दूर भगाती, जो बाइबल में है कि वो निजात के वर्षा की मदद के लिए भेजे जाते हैं, मैं ऐसी बातें कहती कि जो मेरी मदद करने से उन्हें रोक देती। मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं क्या गलत कर रही हूं, क्या सही कर रही हूं, क्योंकि किसी ने मुझे कुछ बताया ही नहीं था। इसी तरह यहां भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने वो कभी नहीं सुना जो मैं आज बताने जा रही हूं। आज मैं आप में से बहुतों को बहुत ही अच्छी बात बताने जा रही हूं, लेकिन ये बहुत बहुत मुश्किल है कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने मुंह पर काबू रखें। ये हकीकत है जैसा कि बाइबल में है कि कोई भी शख्स जबान को खामोश नहीं रख सकता, सिर्फ रूहुल खुद्स ही ऐसा कर सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि रूहुल खुद्स हर वक्त आकर हमारे लिए ये करेंगे, लेकिन इसका यह मतलब जरूर है कि हमें हमेशा खुदा की मदद के लिए दुआगो रहना चाहिए। अगर आप जबूर पढ़ें तो सुल्तान दाऊद हर वक्त ऐसा करते थे, वो हर वक्त अपनी जबान और अपने अल्फाज का इकरार किया करते और खुदा से हर वक्त दुआ मांगते रहते। मेरे मुंह से निकले अल्फाज और दिल की परिश्तिश की तू हमेशा कबूल फरमा, मेरे मुंह पर नजर रख खुदाया की कहीं मैं अपनी जबान से तेरी शान में कोई गुस्ताखी ना करूं। इस तरह के तमाम सहीफों का आपको हर वक्त विर्द करना है और खुदा से मदद मांगनी है ताकि रोजमर्रा की जिंदगी में आपको हर तरह की जिंदगी मिले, ना कि मौत मिले। दूसरी बात जिस पर मेरा यकीन है वो ये कि जब हम अपनी जबान पर काबू रखेंगे तो खुदा पर इंतजार करते हैं। याद रखिए, वो ना सिर्फ ये करते हैं बल्कि हमें याद दिलाते हैं। यूहन्ना की किताब में है कि रूहुल खुद चीजों को हमारे जहन में लाते हैं। तो अगर आप जरा भी मेरी तरह और शुरू करते हैं कि लेकिन अगर आप अपनी मदद के लिए खुदा पर भरोसा करते हैं, तो जब आप कुछ ऐसे मरहले पर पहुंचते हैं जहां आपको नहीं होना चाहिए, तो आपको ये एहसास होने लगता है कि अगर आप में इसे किसी और तरह से कहने की सलाहियत नहीं है तो बेहतर है खामोश हो जाएं। आमीन। तो मैं पूरा हफ्ता आपको इसी के बारे में बताऊंगी। आप सोचेंगे हफ्ता भर आप सिर्फ जबान पर कैसे गुफ्तगू कर सकते हैं, तो मेरा यकीन कीजिए कि इस पर कहने के लिए बहुत कुछ है। मेरे पास मवाद की कमी नहीं है और ये यकीन है कि आप उकताएंगे भी नहीं, और अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो मैं भी इस पर बोलूंगी क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। खुदा ने मुझे जबान में बड़ी नेमत दी है, पर यही मेरी जिंदगी का बड़ा मसला भी रही है और यह कोई अनोखी बात नहीं है। आज के पैगाम का उन्वान है अल्फाज में तासीर होती है। जैसे कि इस ग्लास में मेरा पानी है, वैसे ही बात जो हम करते हैं उसमें तासीर होती है। मैं चाहती हूं कि आप इसे अच्छी तरह से समझें। हर लफ्ज जो हमारे मुंह से निकलता है उसमें कुव्वत होती है, तखलीकी या फिर तकरीबी कुव्वत।
مثبت یا منفی قوت. ہم میں سے بہت لوگ امثال 18:21 کے بارے میں جانتے ہیں، زندگی اور موت کی قوت ہماری زبان میں ہے. اب یہ بڑا زبردست صحیفہ ہے، زندگی اور موت کی قوت زبان میں ہے. میرے خیال میں اب مجھے اپنی ٹیلی ویژن آڈینس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں نے مجھے سنا، زندگی اور موت کی قوت زبان میں ہوتی ہے، اور یہ سچ بات ہے. آمین. اس میں کہا گیا ہے کہ آپ کو اپنے کہے کے پھل سے مطمئن ہونا ہے، چاہے وہ زندگی کا ہو یا پھر چاہے وہ موت کا ہو. تو حقیقتاً آپ اپنے کہے کا پھل کھاتے ہیں، وہ آپ کے منہ سے نکل کر چہرے کے بازو سے ہوتا ہوا کان کے ذریعے آپ کے اندر جاتا ہے. تو ہمارے الفاظ نہ صرف دوسروں پر اثر کرتے ہیں بلکہ ہم پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. اب میرے خیال میں ہم اتنا سمجھدار تو ہیں کہ ہم کسی سے کیا کہیں کہ اسے اچھا لگے. ہم کسی سے کچھ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسے برا لگے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن میں جو آپ کو اور سمجھانا چاہتی ہوں، اور آج رات ہم بات کے اس رخ پر زیادہ توجہ دیں گے، نہ کہ ہماری بات کا دوسروں پر کب اثر ہوتا ہے اس پر. حالانکہ ہم اس پر بعد میں بات کریں گے، لیکن آج کی رات میں آپ سے بات کروں گی کہ ہماری باتوں کا روحانیت پر کیا اثر پڑتا ہے، کیونکہ اس نقطے پر ہم زیادہ سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں. مجھے یاد ہے کچھ سالوں پہلے میں ایسے حالات میں کام کر رہی تھی جو بہت ہی مشکل حالات تھے. میں ایسے لوگوں کے ساتھ کام کر رہی تھی جن کے ساتھ کام کرنا بڑا مشکل تھا، کیونکہ وہ مجھ سے صحیح برتاؤ نہیں کرتے تھے. وہاں پر کئی دوسرے لوگ بھی ایسا ہی محسوس کرتے، تو ہم سب دوسروں کی طرح ایک ہی جال میں پھنسے ہوئے تھے، جبکہ ہم عیسائی تھے. تو میرا اس پر ایمان نہیں، اور یہ صحیح نہیں، تو وہ صحیح نہیں، اور یہ اب خدا نے مجھے سمجھانا شروع کیا، اور مجھے یہ گپ شپ بند کرنی ہے، پھر پیٹھ پیچھے باتیں بنانا اور چگلی کرنا بند کرنا ہے. اس وقت جب میں محسوس کر رہی تھی کہ میرے ساتھ صحیح برتاؤ نہیں ہو رہا، تو مجھے جا کر تین اور لوگوں کو یہ بتا کر انہیں بھی مشتعل نہیں کرنا ہے، پھر وہ مجھ کو بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا غلط ہو رہا ہے، اور پھر ہم سب اس پر باتیں کریں. تو جب خدا نے مجھے کئی بار تاکید کی، تو میں کچھ سنبھلی اور اپنے باس کی شکایت کرنا چھوڑ دیا. پھر بھی میں دیو سے گھر پر یہ بات کرتی تھی، کیونکہ یہ تو بند دروازے کی اور ذاتی بات تھی، اور پھر دیو تو میرے شوہر ہیں. پتہ ہے یہ ہمارا بہانہ ہے، کیونکہ کسی سے تو ہمیں بھڑاس نکالنی ہے. تو اب خدا مجھے اس کے لیے بھی سمجھانے لگے. اس نے جو کہا اس سے میں بہت مروب ہوئی. جوائس، تم کس سے کہہ رہی ہو وہ مسئلہ نہیں ہے، تم جو کہہ رہی ہو وہ اصلی مسئلہ ہے. اور چاہے تم جہاں بھی کہو، کیونکہ تم جہاں بھی کہو گی مجھے تو تمہیں سننا ہی ہے. آمین. تو اب ہم اس برائی کو نکال کر پھینک دیں گے. اس ہفتے ہم ایسا بہت بار کریں گے. ہم سب کی زندگی میں سب سے مشکل مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پریشان حال ہوں اور ہمارے منہ سے کوئی منفی بات نہ نکلے. اس ہفتے مجھے تھوڑا پشیمان ہونا پڑا، بہت نہیں، بس تھوڑا سا. یہ پشیمانی کچھ 5-7 منٹ رہی. مجھے پشیمان ہونا پڑا کیونکہ میں شکار ہوئی منفی رائے اور منفی رویے کی. میرے لیے یہ بڑا دلچسپ رہا، کیونکہ میں تیاری کر رہی تھی اسی عنوان پر تبلیغ کرنے کی. شاید شیطان مجھے بددل کرنا چاہتا تھا تاکہ میں یہاں آ کر اس عنوان پر تبلیغ نہ کر سکوں، لیکن میں اس کی چال میں نہیں پھنسی. مجھے آپ سے صاف صاف کہنے دیجئے کہ مجھے اس سے نپٹنا پڑا دوسروں کی طرح ہی. آپ کو پتہ ہے میں نے اپنی زندگی میں کیا فیصلہ کیا؟ اچھی بات یہ ہے 10 سال پہلے اس کے لیے مجھے 3 ہفتوں تک پشیمانی اٹھانی پڑتی. تو خدا کا
शुक्र है कि चाहे मैं वहां नहीं जहां मुझे होना चाहिए, लेकिन वहां भी नहीं जहां मैं थी। मैं आगे बढ़ रही हूँ। आपको पता है जब हम बददिल हो तो क्या हम ऑल फैल नहीं बकते, मेरा मतलब बेसर पैर की बातें नहीं करते? मेरा तो कोई ख्याल नहीं रखता। देव ने मुझे एक नजर देखा और चले गए। जब भी ऐसा कहते देव मुझे ऐसे देखते। मेरा तो कोई ख्याल नहीं रखता, मेरा मतलब बेतुका, सिर्फ बेतुका, बेतुका, बेतुका। तो हम सबको ये सुनना है और आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। मैं आपसे एक बात कहूं, जब हम अपने मुंह से कुछ कहते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए, तो हमें उसे दूसरे गुनाहों की तरह लेना चाहिए और उसके लिए पछताना चाहिए। यही शायद बहुत से लोग नहीं करते हैं, लेकिन यह कोई मामूली बात नहीं है और ना ही जिंदगी में एक हिचकी की तरह है। इस हफ्ते मैं आपको यही बताना चाहती हूं कि अगर आप इस तरह नहीं पछताएंगे और यीशु के खून से इसे नहीं धोएंगे, तो अक्सर वक्त हम शैतान के लिए दरवाजा खोलेंगे। अल्फाज में रूहानी ताकत है, रूहानियत। अल्फाज के बारे में ये बड़ा दिलचस्प है। यीशु ने कहा मेरा कलाम रूह है और जिंदगी जिंदगी है। तो अल्फाज सचमुच रूहानियत के लिए काम करते हैं। आप उन्हें देखते नहीं, लेकिन उनका असर होता है। कोई आपसे कुछ कहता है, वो आप सुनते हैं और उसका असर आपके अंदरून में होता है। वो आपको बुलंदी पर पहुंचा सकते हैं या जमीन पर फेंक सकते हैं। यहां इस हॉल में आज हजारों आदमी हैं और आप बस इस तरह हैं। आप यहां क्यों आए हैं? मुझे सुनने के लिए? क्यों? क्योंकि मैं खुदा के कलाम की बात कर रही हूं और आपका तजुर्बा रहा है कि सही बात आपसे बार बार कही जाए तो आपका जहन बदलेगा, रवैया बदलेगा और आपकी जिंदगी बदल जाएगी, बदलाव आएगा। खुदा ने हमें बड़ी कीमती नेमत दी है, उसका ये कलाम। खुदा का कलाम सबसे बड़ी नेमत है जो हमें मिली है। और पता नहीं आपको पता है या नहीं कि आज रात आपने यहां कलाम की बहुत सी बातें सुनी। हमने कलाम की तारीफ की, हमने कलाम के एहतियात की तलकीन की, यहां तक कि जब मैंने आपको बताया कि हमारे पास मुख्तलिफ वसायल है, तो मैंने कहा हमारे पास आपके लिए कलाम है जो आप टेप की सूरत में घर ले जा सकते हैं और फैज पा सकते हैं, अपने को तब्दील कर सकते हैं। बाइबल में है कि खुदा के पास हमारी जिंदगी का अच्छा मंसूबा है, लेकिन हमें हमारे जहन को कलाम के जरिए मुकम्मल नया करना होगा ताकि उस मंसूबे को हम जान सकें और समझ सकें। मैं कलाम के लिए खुदा की शुक्रगुजार हूं। कुरिन्थियों 2:3-18 में है, अगर तुम मेरे कलाम पर अमल करते रहोगे तो तुम खुदावंद की जलाली सूरत में दर्जा बदले जाओगे। यीशु ने कहा अगर तुम मेरे कलाम पर अमल करते रहोगे तो तुम सच्चाई से आशना होगे और यही सच्चाई तुम्हें नजात दिलाएगी। इतने इतने सारे अच्छे वादे हैं कलाम के लिए। आइए कलाम के बारे में बात करते हैं, हमारा कलाम और फरिश्ते इनके बारे में। आप में से कितने लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि खुदा फरिश्तों के जरिए हमारी मदद करते हैं और हिफाजत करते हैं? हम इस पर ज्यादा गौर नहीं करते, लेकिन मेरी आपको सलाह है कि खुदा जो फरिश्तों के जरिए हमारी मदद करता है, उसके लिए हमेशा उसका शुक्र अदा करने की आदत डालिए। लेकिन आपके कुछ फरिश्ते उकता गए हैं, उनको अपना काम करने में लुत्फ आएगा अगर आप उन्हें उनका काम करने दें और उन्हें कुछ करने का मौका दें और बार 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 उनके काम में दखल अंदाजी ना दें। अगर आप उन्हें कोई काम करने से ना रोकें, तो देखिए जबूर 103:20 में है, उसको प्यार और ममनूमियत से सराहो, मुबारक कहो है खुदावंद के फरिश्तों, तुम जो जोर में बढ़कर हो और उसके कलाम की आवाज सुनकर उस पर अमल करते हो। तो फरिश्ते क्या सुनते हैं? क्या सुनते हैं वो? वो सुनते हैं खुदा का कलाम। वो किस पर ध्यान देते हैं? उन्हें क्या हरकत में लाता है? उन्हें कौन तहरीक देता है? उन्हें क्या चीज काम करने को कहती है?
बड़बड़ाहट नहीं, शिकायत नहीं, मिमिनाहट नहीं, गिबत नहीं, गपशप नहीं, चुगली नहीं, बल्कि सिर्फ खुदा का कलाम। वो खुदा के कलाम पर अमल करते हैं। इब्रानियों 1:14 में है, ये खुदावंद के खिदमतगार फरिश्ते उनके लिए हैं जो नजात की मिरास पा चुके हैं। आप सब यही सोचें, वो मैं हूं। हाँ, तो अब आपकी समझ में आया कि मैं क्या कह रही हूं। अगर आप चाहते हैं कि फरिश्ते आपके लिए काम करें, तो आपको काम के लिए उनको कुछ देना होगा। तो मुश्किल के वक्त सबसे बेहतर तरीका है कि ये कहें कि खुदा के कलाम पर मेरा ईमान है, मेरा ईमान है कि खुदा का कलाम सच्चा है, उसके वादे भी सच्चे हैं। आपको कलाम पर उबुर हासिल होना चाहिए ये कहने के लिए खुदा कहता है, और फिर कलाम में से वो हवाला दे जो उस हालात से मेल खाए। मुझे डरने की जरूरत नहीं, खुदा मेरे साथ है। या चाहे जो भी सूरत हाल हो, यीशु के तुफैल खुदा मेरी तमाम जरूरतों को पूरा करता है। अगर काम छूट जाए तो ये कभी ना कहे मेरा काम छूट गया, अब मैं क्या करूं, मेरा बड़ा गर्क हो गया, मैं कंगाल हो जाऊंगा, मेरी समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या कहूं। चलिए भी अब यहां से मुझे अपना काम करने दीजिए, क्या आप ये समझ रहे हैं? अब यहां से मुझे काम करने के लिए दीजिए, बताइए कि मैं क्या करूं। आप इस तरह से कुछ कह सकते हैं, ठीक है मेरा काम छूट गया, लेकिन मैं मायूस नहीं हूं, क्योंकि मुझे यकीन है कि खुदा के पास मेरे लिए इससे कुछ बेहतर है। मुझे यकीन है कि जब मैं दूसरे काम की तलाश में निकलूंगा तो हर जगह मेरे हक में सिर्फ बेहतर और सिर्फ बेहतर होगा। मुझे खुदा पर भरोसा है, मेरे पास फरिश्ते हैं, खुदावंद उन्हें हिदायत दे कि वो मेरे लिए राह हमवार करें। अब फरिश्ते भी खुश होते हैं कि वो आपकी मदद कर रहे हैं और आपके लिए काम कर रहे हैं, वो आपके लिए खुश हैं। आमीन। तो अब मैं आपको वक्त से पहले बता दूं, जब आप बददिल हो, ये मुश्किल है क्योंकि हम जो भी महसूस कर रहे हैं उसका इजहार जरूरी है। आमीन। अब मैं उकता गया हूं, बेजार हो गया हूं। और फिर जब कोई आपके आसपास है जो आपको मजबूत रवैया अपनाने को कहता है, तो आप उसे धुतकारते हैं। मैं बताती हूं मुझे किस चीज से चिढ़ है। जब कोई मेरी फैमिली में कहता है, मैं उस खातून मुबली को जानता हूं जिसने कहा, लेकिन आपको पता है मैं इन पैगामात की शुक्रगुजार हूं जिनकी तशहीर मैंने बार 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 और बार बार की, क्योंकि इनकी वजह से और आज 30 साल बाद मुझे मदद मिली कि 3 हफ्तों के बजाय सिर्फ 5-7 मिनट पश्चिमान रहूं और ये समझ जाऊं कि मैंने गलती की और मुझे माजरात हुआ होना चाहिए और मुझे अपने आप में सुधार की जरूरत है। मुझे यकीन है कि आज से 4-5 साल बाद ये 5-7 मिनट कम होकर 2 हो जाएंगे और किससे पता कुछ अरसे बाद मैं इन पर पूरा इख्तियार जमा लूं। जब तक मैं इस मादी जिस्म में हूं ये काम ही मुमकिन है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं नहीं चाहती कि बेकार फरिश्तों का झुरमुट मेरे साथ रहे, उनके पास कुछ करने को ना रहे, क्योंकि मैं उनकी मनफी सोच से हमेशा उन पर रोक लगाती रही। मैं चाहती हूं कि आज आप इसे समझ लें कि कलाम में रूहानी तासीर है और खुदा आपकी मदद करना चाहता है। उसने आप पर फरिश्ते मामूर किए हैं और ये फरिश्ते गोल मटोल पर लगे छोटे बच्चे नहीं है। मेरा मतलब फरिश्तों की जो तस्वीर हम देखते हैं वो बड़ी मजायका खेज होती है। ओ, मैं ऐसा नहीं समझती। ओ, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा मतलब वो कवि और दशिश कद फरिश्ते हैं, 12-15 फीट ऊंचे फरिश्ते हैं। इसकी तस्दीक के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूं, अगर आपका ईमान पुख्ता है तो आप यकीन करेंगे। ये मैंने नहीं देखा, लेकिन
जिस आदमी ने मुझे बताया उस पर मुझे भरोसा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लगा बुझा कर कहने की उसमें सलाहियत थी। एक आदमी अपनी बीवी के साथ मेरी फिनिक्स की मजलिस में आया, वो ईमान वाला नहीं था, ये उसकी तरफ से उसकी बीवी की सालगिरह का तोहफा था। वो उसके साथ कॉन्फ्रेंस में आया, हम दो सना और दुआ के वक्त वो रोने लगा और उसकी बीवी बहुत हैरान रह गई। आपको क्या हुआ? उसने कहा, क्या तुम देख नहीं रही हो, क्या तुम देख नहीं रही हो? बीवी ने पूछा, आप किसके बारे में कह रहे हैं? बहरहाल कहानी इसी तरह चलती रही। उस रात मैंने सफेद सूट पहना था और जब मैं बाहर आई, एक मिनट, जब मैं बाहर आई तो उसने कहा कि बहुत सारे दराज कद लोग मेरे साथ बाहर आए और वो सब भी सफेद पोशाक पहने हुए थे। उसने कहा कि उस वक्त उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मैं समझा कि वो कॉयर वाले होंगे। फिर उसने कहा, जब जॉयस स्टेज पर ताकीद करने आई तो ये सारे लोग उनके साथ आए और उन्होंने तीन तरफ से घेर कर उनको खड़े हो गए और उनके हाथ में तलवार थी और वो सब अटेंशन वाली पोजीशन में खड़े हुए थे। इस तरह जब मैं तबलीग कर रही थी तो उस आदमी ने नजात पाई। मैं ये यकीन से कह सकती हूँ, जैसा कि मैंने कहा, मुझे पता नहीं आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन यकीनी तौर पर उस शख्स पर बड़ा ड्रामाई असर हुआ। बाइबल हमें अमसाल में सिखाती है, मौत और जिंदगी जबान के काबू में है। ये एक हैरत अंगेज बयान है, तो हमें वो सब कुछ सीख लेना चाहिए जो हम सीख सकते हैं कि कैसे हम जबान को काबू में रख सकते हैं। आज हम चार सीरी पर तालीमी किस्तें मी एंड माई बिग माउथ पेश कर रहे हैं और साथ में एक किताब आपके हाथ में रखना चाहते हैं बतौर एक नजराना, जिसका नाम है द सीक्रेट पावर ऑफ स्पीकिंग गॉड्स वर्ड। एक ऐसी अहम चीज जो मैंने जिंदगी में सीखी है वो है कि किस तरह कलाम इलाही का आवाज बुलंद में विर्द करूं। ये एक हथियार है जिसे आपको इस्तेमाल करना चाहिए। यह न सिर्फ दुश्मन के खिलाफ एक हथियार है, पर जब आप आवाज़ें बुलंद में इसका विर्द करते हैं, यह आपके जहन को तरोताज़ा ज़रूर कर देता है और खुदा की तरह सोचने की तालीम देता है। मैं आपको बता दूं, जब आप खुदा की रज़ा में चलते हैं तब आपकी ज़िंदगी में खुदा का मकसद जाहिर हो सकता है। तो रुकिए और ये सारी मालूमात हासिल कर लीजिए, फौरन थोड़ी सी हरकत में आइए और ज़बान पर ज़्यादा काबू कीजिए। खुदा आपको नवाजे। जॉयस मायर मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए, आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालदीन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joyousmire.org पर विजिट करें और अपनी इल्तिजाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।